सुबह अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के लिए रवाना हो रहे थे तब भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीजेपी महिला मोर्चा ने उनका घेराव किया। दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर महिलाएं उन्हें फूल और चूड़ियां देने पर उतारू थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रेन में बिठाया गया। अमृतसर शताब्दी में सवार होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे ही थे कि बीजेपी का महिला मोर्चा टूट पड़ा। हाथों में फूल का गुलदस्ता और चूड़ियां लिए महिलाएं केजरीवाल को घेरने लगी। उधर लुधियाना पहुंचे तो महिलाओं ने वहां भी घेर लिया। दिल्ली से शुरू हुई दिक्कत पंजाब के लुधियाना तक जारी रही। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, मुख्यमंत्री को घेरे में लेकर दूसरी ओर ले जाया गया, लेकिन बीजेपी का महिला मोर्चा बाहुबल दिखाने पर उतारू था। हाय हाय किनारों के बीच सुरक्षा घेरे को तोड़ देने पर उतारू महिलाएं लगातार उनकी ओर बढ़ रही थीं। किसी तरह से पुलिस ने उनको शताब्दी एक्सप्रेस की E1 बोगी में बिठाया। जैसे ही केजरीवाल के विरोध की खबर आई, आम आदमी पार्टी के नेता मोदी पर टूट पड़े। उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ता और मीडिया सेल सब ने बारी बारी से ट्वीट कर बम मारना शुरू कर दिया। मोदी जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस और बीजेपी मिलकर अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रहे हैं। क्या सुबह की घटना उसका रिहर्सल थी? मोदी जी की पुलिस ने पहले बीजेपी को बताया सुरक्षा नहीं दी जाएगी, फिर अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया। क्या सीएम के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है? हालांकि स्टेशन पर केजरीवाल का विरोध कर रही मुट्ठी भर महिलाओं ने उन्हें परेशान करने की खबरों से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो गुलदस्ता देकर कुछ सवाल पूछने आए थी, मुख्यमंत्री मुंह छिपाकर क्यों चले गए? ये पंजाब जा रहे हमें छोड़कर अपने भेड़ियों के आगे, दिल्ली की महिलाओं की क्या हालत होगी? कौन गारंटी लेगा? इनके विधायक और मंत्री जैसा कर रहे हैं। हाँ जी, हम जा रहे हैं कि ये जो दिल्ली के अंदर घटना हो रही है, महिलाओं के साथ जो महिलाओं की जब आधा लगा इनके मंत्री है, और ये दिल्ली छोड़कर भाग रहे हैं, ये दिल्ली छोड़कर भाग रहे हैं। दोनों जगहों पर विरोध के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी पंजाब में आपको मिल रहे समर्थन से बौखला उठी है, विरोध जितना होगा ताकत उतनी ही बढ़ेगी। दिल्ली में संदीप कुमार सीडी कांड के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। खासकर उनकी पार्टी के नेताओं के उल्टे सीधे बयानों ने मुसीबत बढ़ा दी है। उधर पंजाब में भी टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में पार्टी घिरी हुई है। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली नहीं, लुधियाना में भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लेकिन उन्होंने बादल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, 4-5 महीने रह गए, और मेरे को, मैं पिछली भी जब बार आया था, जितनी बार आया, पंजाब के लोगों ने कहा था जी देखना, जैसे ही चुनाव आएंगे सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रचनी चालू करेगा, सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे। 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ, 63 फर्जी सीडी बना रखी है उसने, एक कंपनी हायर की है, वीडियो कंपनी, वो रोज़ हमारे खिलाफ दो चार फर्जी सीडी बना देती है। यहीं खूटा गाड़ के बैठूंगा, और जब तक सुखबीर बादल का खूटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। आज मैं नई दिल्ली स्टेशन पे था, अचानक बीजेपी की महिला मोर्चा की, उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सब होएगा, ये सब जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन है, कांटों भरा है, ये सब हमले भी करेंगे, हमारे ऊपर हमले भी करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं बादलों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत हम भुगत चुके हैं, हम वो पार्टियाँ जो आंदोलन से निकले हैं, डंडे भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, वाटर कैनन भी झेले हैं, और इस तरह के बहुत हमले झेले हैं, जान हथेली पे लेके चलते हैं हम लोग, इनके हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो एक तरह सियासी घेराबंदी, तो दूसरी ओर कोर्ट का हथौड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने उनकी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद की नियुक्ति रद्द कर दी है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच चल रही जंग में केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ी हार है। केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सारी नियुक्तियां एलजी की अनुमति के बिना हुए हैं।
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से संवैधानिक अधिकार एलजी के पास है और दिल्ली सरकार ने बिना उनकी अनुमति के संसदीय सचिवों को नियुक्त किया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि अदालत ने जो आदेश दिया है वो संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बाद आया है, मगर सच्चाई ये है कि एलजी के पास अधिकार वाला कानून बहुत पुराना है, इसलिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अब केंद्र सरकार तय करे कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति वाले फैसले पर क्या कदम उठाने हैं। इस आदेश के बाद जितना खर्चा इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पे दिल्ली के राजकोष से हुआ है, यानी उनके खर्चे, उनकी गाड़ी का वाहन का खर्चा, उनके ऑफिस की रेनोवेशन का खर्चा, वो अब इनसे व्यक्तिगत हैसियत में लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा। इस बारे में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के में ये जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को तय करना है कि इनके खिलाफ क्या उचित कार्रवाई की जाए। केजरीवाल सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इससे पहले सिर्फ एक ही संसदीय सचिव नियुक्त किया जाता था। संसदीय सचिवों पर दफ्तर समेत लाखों रुपए खर्च होता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार संसदीय सचिवों पर हुए खर्च की वसूली कर सकती है। वहीं दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए दिल्ली सरकार 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध मान ले। इसमें जो ये नोटिफिकेशन थी 13 मार्च 2015 की, जिसमें 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए हैं, वो नोटिफिकेशन एलजी की अप्रूवल के बिना थी। तो बेस्ड ऑन दैट जजमेंट ये जो 13/3/2015 की नोटिफिकेशन है ये क्वॉश कर दिया। सो आज की डेट में जो 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैंसल्ड है। दिल्ली हाईकोर्ट में 21 संसदीय सचिवों की जंग हार चुकी केजरीवाल सरकार को चुनाव आयोग से भी झटका लग सकता है, क्योंकि आयोग में 21 संसदीय सचिवों की सदस्यता ही रद्द करने का मामला चल रहा है। पहले से ही मुश्किलों में घिरी केजरीवाल सरकार के लिए हाईकोर्ट से आया ये आदेश एक और जबरदस्त झटका है। ऐसे में देखना होगा कि आज के इस आदेश का क्या असर केजरीवाल पर पड़ेगा, क्योंकि ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ही की थी। और क्या सरकार अब इसको ऊपरी अदालत में चुनौती देगी या फिर हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए ये मानेगी कि हाँ 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की नियुक्तियाँ अवैध थी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।